होकर सरकारों को काम करने की जरूरत है और केंद्र सरकार वही काम इस वक्त राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कर रही है। ये बातें भी डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से कही गई हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो हर्षवर्धन जी का मैं धन्यवाद करूंगा, कम से कम उन्होंने इस बीमारी को बीमारी और महामारी समझा। अदरवाइज मुझे वो ट्वीट याद आता है डॉक्टर साहब का, वो तो कहते थे कि कोरोना कोई महामारी नहीं है। खैर, अभी वापस आते हैं। बहुत बड़ा कारण जो है चित्रा जी, वो ये रहा है कि दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी हो गई है और पॉल्यूशन लेवल जैसे जैसे पिछले 15 दिन में बढ़ा है, उसका सीधा कोरिलेशन है कि पॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो सीधा सीधा कोरोना वायरस ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ा उसकी वजह से लंग्स वीक हुए और कोरोना ज्यादा एक्टिव हुआ। ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे सौरभ भाई, अभी सबसे पहला राज्य था जिसने शराब की दुकानें खोलने की बात की थी, सबसे पहला राज्य था जिसने 10 रुपए डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेस लगाया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 20 दिन पहले जब नीति आयोग ने कहा कि 15,000 बेड पर डे आपको अगले 10 दिन में चाहिएंगे, तो सरकार दोनों कहां सो रही थी। ये आज हालत यह है कि 20% जो मौतें हैं पूरे हिंदुस्तान की, वो अकेले दिल्ली में है। 1,000 मौतें पिछले 10 दिन में हो गई हैं और अमित शाह जी ने मीटिंग कर दी है, उसका एहसान का हम बिल्कुल सर झुका के दिल्ली वाले अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कॉरपोरेशन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना पाई 10 महीने में। आप कह रहे हैं 10 महीने के बाद हम सर्वे कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं और टेस्टों को दुगना कर रहे हैं। हम उसके लिए भी दिल्ली के सभी निवासी हाथ जोड़ के अमित शाह जी का और दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हैं। फिर ये कहते हैं साहब हॉटस्पॉट की बात इन्होंने कही। सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट था वो तो अक्षरधाम था, अभी बिना मास्क के पूरी सरकार खड़ी हुई थी, वहां पर वो हॉटस्पॉट नजर नहीं आया। आज आप एक बाजार को बंद कर दीजिए, वहां के जो खरीदार हैं वो दूसरे बाजार में चले जाएंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। नहीं नहीं, ये अक्षरधाम को लेकर स्पष्ट कीजिए, क्या कहना चाहते हैं पूरी सरकार? मेरा ये कहना है कि जो सरकार एक एक पेज के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे रही है, अपने कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर बना के 600-600 रुपए देकर सड़कों पर चौराहे पर खड़े कर रहे हैं, उनको भी कोरोना से ग्रसित करना चाहते हैं। तो जो आज तमाम लोग यहां पर खड़े कर दिए, तो नौटंकी और दिखावे से अगर कोरोना कंट्रोल होता, आईसीयू बेड बन जाते होते, प्रसाद बन जाते। इसका जवाब आप दीजिए, नौटंकी और दिखावा क्या कर रही है सरकार, और साथ ही बहुत सारे सवाल केंद्र सरकार को लेकर भी खड़े किए गए हैं। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, क्या एक कोऑर्डिनेशन अंशुमा से एक जवाब में ले लेती हूँ, बहुत देर से क्या एक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना पाई केंद्र और दिल्ली सरकार? ठीक है, कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का दिल्ली सर बीजेपी वालों के पास टाइम है। अभाव रहा राजधानी दिल्ली से आज की तारीख में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास 13,000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी से लेना, उसके लगाने के होर्डिंग के पैसे तो हैं इनके पास, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का टाइम नहीं है इनके पास। कॉर्पोरेशन के तमाम कर्मचारी, डॉक्टर्स और नर्सेस सड़कों पर आकर तनख्वाह मांग रहे हैं और ये प्रवचन कर रहे हैं दोनों बैठकर यहाँ पर। डॉक्टर अंशुमन जी, अब मैं सीधे आप दोनों जवाब दीजिएगा सौरभ और गौरव, लेकिन उसके पहले डॉक्टर अंशुमन जल्दी से मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। अक्टूबर नवंबर में ये जो केस तेजी से बढ़े हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह आपको नजर क्या होती है, और इस समय वेव 3 क्या राजधानी दिल्ली से गुजर चुका है जिसका जिक्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे थे? जी, वेव 3 जैसा नॉमेनक्लेचर करना बिल्कुल उचित नहीं होगा साइंटिफिकली स्पीकिंग। दूसरी जो बात है, ये एक्सपेक्टेड था दिल्ली में, जब टेम्परेचर कम होगा तो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ेंगे। कारण ये है, दिल्ली घनी आबादी का शहर। चाइना में एक स्टडी हुई थी, टेम्परेचर से, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से कोरोना वायरस पे क्या असर, जैसे मॉइस्चर जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा। दूसरा एक्सपेक्टेड क्यों था, दिल्ली का प्रदूषण। जब लॉकडाउन 1 था, दिल्ली का प्रदूषण डबल डिजिट में आ गया था, 42 के आसपास AQI आ गया। बिल्कुल, आज प्रदूषण की हालत बढ़ गई। आज क्या हो रहा है, प्रदूषण कारण जो भी लोग सांस की तकलीफ लेके अस्पताल जाते, अदरवाइज जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रहते, पता भी नहीं चलता कि ये इन्फेक्टेड है, उनका टेस्ट होता है कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, तो नंबर से इस कारण बढ़े। दूसरी वजह, प्रदूषण भी वही डैमेज कर रहा है फेफड़े को जहां पे कोरोना वायरस डैमेज कर रहा है, तो केस फेटेलिटी मतलब मौत के आंकड़े बढ़ेंगे, ये एक्सपेक्टेड था। जहां बात आपने लॉकडाउन की उठाई थी, लॉकडाउन कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कि लॉकडाउन क्या है, मिटिगेशन, अल्पीकरण, प्रिपेयरनेस, इसकी तैयारी करने के लिए और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए। दिल्ली की टेस्टिंग एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग 60% चल रही है, बिल्कुल, जबकि टेस्टिंग एक्चुअली RT-PCR बेस्ड होनी चाहिए, तभी जाके हम ट्रैक कर पाएंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे सीधा ये है, आप कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं, ऐसे में जो बीमार मरीज हैं इस तरह के, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगर आंकड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं तो यकीनन ये अपने आप में बहुत परेशानी का सबब है, और ऐसे में जो लोग पहले से दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जी, बहुत उचित सवाल है। देखिए,
इस पे जहां तक बात आ रही थी पॉलिटिशियंस की, वो नेता एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन स्तर पे है। इंडिविजुअल मतलब हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जो गाइडलाइंस है, कम्युनिटी मतलब समाज की और सरकार की, तीनों बिल्कुल जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आप बिल्कुल बीमारी से ग्रसित नहीं है फिर भी आपको एहतियात उतना ही रखना है। अगर बिल्कुल किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या लाजवाब, जैसे कैंसर, डायबिटीज के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, उनको खास एहतियात रखना है कि अभी के समय, खास करके जब पीक चल रहा हो और पोल्यूशन के साथ साथ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, इस समय आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।